आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए BA LLB 9वें सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 के पेपर लेकर आए हैं। यह पेपर दिसंबर 2023 का है, लेकिन जनवरी 2024 में हुआ था। आज का जो सब्जेक्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेकंड, यानी कि कॉपीराइट। अगर आपको कॉपीराइट का नोट्स या कॉपीराइट का वीडियो देखना है तो आप हमारे LLB 5वें सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पर चले जाइए, क्योंकि जब मैं 5वें सेमेस्टर में था तो मेरा भी सब्जेक्ट कॉपीराइट था, क्योंकि मैंने LLB की है। और अगर आप BA LLB 9वें सेमेस्टर में हो तो आपको यह नहीं देखना है कि 9वें सेमेस्टर के क्वेश्चन मुझे चाहिए, आपको अपना सब्जेक्ट देखना है कॉपीराइट, क्योंकि एग्जाम में वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। और आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है, 60 नंबर का पेपर पूछा जाता है जिसमें 10 प्रश्न दिए जाते हैं, 5 प्रश्न करने पड़ते हैं, प्रत्येक प्रश्न 12 नंबर का होता है। पहला प्रश्न इस प्रकार पूछा गया, कॉपीराइट को परिभाषित करते हुए इसकी प्रकृति, क्षेत्र, उद्देश्य तथा ऐतिहासिक उद्भव को समझाइए। दूसरा, कॉपीराइट के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। रजिस्ट्रार का साक्ष्यात्मक मूल्य क्या होगा? इसके बाद तीसरा, कॉपीराइट अधिनियम 1957 की मुख्य विशेषताएं बतलाइए। कॉपीराइट अधिनियम 2012 में शामिल प्रमुख बदलावों को विस्तार से समझाइए। इसके बाद चौथा, लेखक कौन है? संयुक्त लेखक से आप क्या समझते हैं? कॉपीराइट के स्वामी के अधिकारों का वर्णन कीजिए। पांचवा, कॉपीराइट के समनुदेशन को समझाते हुए इसके विभिन्न तरीकों को बतलाइए। क्या एक लेखक अपने कॉपीराइट को त्याग सकता है? बिल्कुल त्याग सकता है कॉपीराइट के अधिकार को, दूसरे को स्थानांतरण करके। इसके बाद छठवां, उन मामलों की गणना करें जिनमें अनिवार्य लाइसेंस प्रदान किया जा सकता है। अनिवार्य लाइसेंस कौन देगा और इसे कब रद्द किया जा सकता है? सातवां, कॉपीराइट के उल्लंघन से आप क्या समझते हैं? निर्णित मामलों की सहायता से बताइए कब दूसरों के कॉपीराइट कार्य का उल्लंघन नहीं माना जाता, उपयोग का उल्लंघन नहीं माना जाता। इसके बाद आठवां, कॉपीराइट के उल्लंघन के विरुद्ध विभिन्न सिविल उपचारों की व्याख्या कीजिए। नौवां, कॉपीराइट अधिनियम में कौन से अपराध एवं दंड निर्धारित है? दसवां, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। पहला, कॉपीराइट के रजिस्टर में प्रविष्टियों का ठीक करना। दूसरा, साहित्यिक कृति, इन पर आपको टिप्पणी लिखनी थी। इस प्रकार यह BA LLB 9वें सेमेस्टर के पेपर में कॉपीराइट से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। आप लोगों की डिमांड थी और आप लोग ही हमारे व्हाट्सएप पर बार बार मैसेज कर रहे थे और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे, सुदामा 9वें सेमेस्टर के पेपर डालो BA LLB के। इसलिए मैंने पेपर को अपने दोस्तों से लिया जो BA LLB कर रहे हैं। अभी उनका वर्तमान में 10वां सेमेस्टर चल रहा है और उनके पेपर चल रहे हैं। जल्दी से जल्दी जैसे ही उनके पेपर होंगे
तो हम दसवें सेमेस्टर के भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर डाल देंगे। और आपको हमारे वीडियो प्लेलिस्ट पर चले जाना है, वहाँ पर आपको प्रत्येक साल पुराने पेपर मिल जाएंगे। और आप लोगों से एक विनती ज़रूर है, आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जैसे ही आप लोगों का पेपर होता है तो कृपया पीडीएफ बनाकर या उसकी फ़ोटो भेज देना, क्योंकि अगर मुझे पेपर नहीं मिलेगा तो मैं नहीं डालूँगा, क्योंकि आप लोगों को सपोर्ट करना है, आप लोगों का चैनल है, आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर पेपर भेज दिया करें। धन्यवाद।